राम राम भाइयों, जय हिंद। आज कुछ दोस्त और भाई लोगों के कहने पे मैं लाइव आया हूँ। बात है कि टिकटॉक जो चाइनीज ऐप है, जो आजकल अय्याशी और नाचने गाने का अड्डा बना हुआ है, तो उसी के ऊपर मेरा विचार रखने को बोला गया है। तो इस पे कहना ये है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा बकपंती कर रहे हैं, तो बकपंती करने वाले जो है ना, अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खा समझ रहे हैं। तो बाबू मेरे, थोड़ा होश में रहो। ससुरा, तुम लोगों से तो एक चाइनीज ऐप जो है टिकटॉक जो है तुमसे अनइंस्टॉल होता नहीं है, और सारा दिन देशभक्ति का डिडोरा पीटते हो, सारा दिन देशभक्ति का डिडोरा पीटते हो। दोहरापंती जो है ना, दोगली नीति जो है, इसका त्याग करो। हर परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, छोटा हो, लगे कि ये क्या चीज़ क्या चीज़, ये उस पे भी देश के साथ खड़ा रहो, नौटंकी नहीं चलेगा। मजाक बना के रखे हो, एक तरफ दिखावा करते हो हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं, या वा दिस डैट। पता है कि जिस चाइनीज सामान का तुम यूज कर रहे हो, खरीदारी कर रहे हो, वो पैसा वहाँ जा रहा है, और उस पैसे का उपयोग जो है पाकिस्तान में आतंकवादियों के लिए किया जा रहा है। उस पैसे का उपयोग जो है चाइना कोरोना वायरस को बनाने के लिए कर रहा है, इस तरह के वायरस को बनाने के लिए कर रहा है, और तुम उसी की खरीदारी कर रहे हो। तुम्हारा पैसा और तुम्हारे लिए ही वो खतरा भेज रहा है, खतरा बना रहा है, खतरा उत्पन्न कर रहा है, तो तुम तो खुद अपना खतरा पाल रहे हो। अब बकपंती करना छोड़ दो, समझ रहे हो? एक तो ससुरा तुमसे टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, ये सब जो है अनइंस्टॉल होता नहीं है। कुछ बकपंती कर रहे हैं कि सरकार इसको बैन करे, बैन करे। क्यों बैन करे? दो राष्ट्रों का, दो देशों का करार होता है, समझौता होता है, व्यापारिक समझौता होता है, समझा कि नहीं? सरकार उसको बैन नहीं कर सकती है, सरकार नहीं बैन कर सकती है। तुम्हारा क्या करता भाई? तुम्हारा काम केवल सरकार को हर एक नीति पे कोसने का काम है। तुम क्यों नहीं उसका उपयोग बंद करते हो? पता है तुमको, सबसे बड़ी आबादी जो है चाइना की है, और फेसबुक का यूजर वहां पे खोजने से नहीं मिलता है, एक भी यूजर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अपने देश के जो निर्मित हैं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या जो भी वस्तुएं हैं, उसी का उपयोग करने का काम करते हैं, क्योंकि वे जो है अपने देश के प्रति जागरूक हैं और सच्चे देशभक्त हैं, और जो हम हैं वो केवल नखड़ा दिखाते हैं, नौटंकी करते हैं, और जो है मुंह बना बना करके जो है वीडियो बनाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हम लोगों से नहीं हो सकता है और नहीं कर सकते हैं। तो बकपंती बंद कर, और ससुरा पहले जो है ना मोबाइल से और टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर, और जितना चाइनीज है ना उसको अनइंस्टॉल कर, और जितना हो सके उतना जो है ना चाइनीज मटेरियल खरीदना बंद कर। अब रहा सवाल कि चाइनीज के मटेरियल को ही क्यों हम इग्नोर करें, क्यों उससे दूरी बनाएं? क्योंकि चाइना जो है हमारे देश के लिए खतरा है, इसलिए उससे हम दूरी बनाएंगे। हमारे राष्ट्र की तरफ जो भी राष्ट्र नज़र उठाएगा, हम उसके मटेरियल्स को और उससे उसके देश से जो भी वस्तुएं हमारे यहाँ, भले ही हमारे राष्ट्र के करार के द्वारा, हमारे सरकार के करार के द्वारा जो वस्तुएं आ रही हैं वो आएंगी, क्योंकि वो समझौता है, लेकिन हम उससे दूरी बनाएंगे। ये है देशभक्ति, देश प्रेम। हमारे देश का जो भी मटेरियल है, अगर उसके विकल्प के रूप में हमारे देश का मटेरियल है, थोड़ा महंगा है तो हम उसको लेंगे, महंगा है पर अपना है ना, हम उसको लेंगे। मजाक नहीं ना है।
तो सीधी बात है, अगर विकल्प नहीं होगा और वो जरूरी है, कोई वस्तु, कोई एप्लीकेशन हमारे लिए जरूरी है, तो हम चाइना को फर्स्ट वे में नहीं चुनेंगे। क्यों चुनेंगे उसको? अगर विकल्प नहीं है तो बहुत सारे जो है कंट्री जो है उस के विकल्प के रूप में अपना जो है वस्तु या एप्लीकेशन अपना जो है उसको निर्मित किया हुआ है, हम उसका यूज करेंगे। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और कुछ बकपंती करने वालों के लिए लात जोड़ के निवेदन है कि भैया मेरे वो जो है थोड़ा सा सुधर जाओ। अरे झूठ मूठ का जो है देशभक्ति का ढोंग रचाने वाला काम त्यागो, और अभी मौका है, अभी से सुधरो ताकि इन फ्यूचर जो है हमारा आने वाला जो भी भविष्य है वो सब सुधरे। बच्चों के लिए जो है सबसे ज़्यादा हानिकारक बना पड़ा है ये जो है टिकटॉक, ये जो है इसके ऊपर नाच गाना कर रहा है सब। नाच गाना करना अच्छी बात है, आर्ट है, कला है, करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें देख रहे हैं कि 24 आवर्स में से 18 आवर्स बच्चा जो है उसी में लगा रह रहा है। तो क्या होगा? बच्चा को पेरेंट्स मोबाइल दे रहा है कि यार थोड़ा देखो, पढ़ाई करो, वगैरह करो, कुछ करो, बच्चा उसी में लगा हो रहा है। तो निश्चित रूप से ये सारी चीज़ें थोड़ा नुकसानप्रद है समाज के लिए भी, और समाज के रूपरेखा में भी ये गलत वे में जा रहा है, क्योंकि इसका मिसयूज हो रहा है। और दूसरा है, हम अपने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहे हैं और अपने दुश्मन राष्ट्रों को जो हमारे प्रति हमेशा गलत नियत रखता है हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। और हर चीज़ सरकार ही नहीं करेगी, इस बात को सोच के रखने का काम है। कुछ चीज़ें हमें भी करना होगा, आपको और हमको मिलकर करना होगा। तो इस बात को ध्यान में रखें। और वो जो बकपंती है कि सरकार बैन क्यों नहीं कर देती, क्यों करेगी? मैं फिर से ये बात कर रहा हूँ, हर चीज़ सरकार ही करेगी, आप क्या करेंगे? आप मत लो, बैन हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सरकार जो है उसके साथ समझौता करती है, करार करती है, आपका मटेरियल भी उसके राष्ट्र में जाता है, उस चीज़ को समझिए। तो वो आपका मटेरियल नहीं खरीदता है, आपका मटेरियल यूज नहीं करता है, आप जो है उसका कर रहे हो और खूब कर रहे हो। तो इससे बचो। बाकी राम राम, जय हिंद, जाग जाओ, अभी समय है, फिर मिलते हैं बाबा के साथ, जब समय आएगा तब देखते हैं कितने लोगों के ऊपर जो है इसका असर पड़ता है। कुछ छूट गई हो बातें तो आप उसको लिखेंगे, ताकि आगे जो है हम उसके ऊपर फिर बात अपना रखेंगे। और जिसको थोड़ा बुरा लगा हो या लगा हो कि ये बाबा गलत बोल रहा है, वो भी लिखेगा, उसका भी जवाब हम देंगे। चलिए, जय हिंद।